वर्का इतने नौफिल हैं मक्के के रहने वाले हैं लेकिन उनका दिल फिर गया ये बुतों को पूजना बेजान मूर्तियां खुद हम तराश हैं इनको पूजे लिहाजा वो अब हकीकत के प्यास में गए कहा मक्के से चलकर शाम पहुंचे उस वक्त तक हुजूर तो पैदा तो हो चुके हैं विलादत हो चुकी है वही का आगाज नहीं हुआ लिहाजा वर्का कहां पहुंचे हैं शाम वहां जाकर ईसाइत इख्तियार करते वही दीन था उस वक्त जब तक वही पर नहीं आती वही दीन है आसमानी हजरत सलाम की निशानत का दौर चल रहा है और इतनी महारत हासिल करते हैं कि उनके बारे में आपको मिलेगा रिवायात में काना यक तौरात अबिल इब्रानिया के हजरत वर्का का नौफल इबरानी जबान में तोरात लिखा करते थे मक्के में अरबी जबान के लिखने वाले गिनती के लोग थे और ये इबरानी की तालीम की उन्होंने इतने बड़े आलिम जब पहली वही आई है तो हजरत खदीजा हुजूर को लेकर गई इन्हीं वरका नौफिल के पास सुनिए इनके साथ क्या माजरा पेश आया हुजूर ने जब वो बयान किया हजरत जबराइल की, की आमद का गार हिरा का जो वाक्य था तो वरका इब्न नाफिल फरमाते हैं कि ये वही नामूस है जो मूसा पर नाजिल हुआ था ईसा पर नाजिल हुआ था और काश के मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जबकि आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी हुजूर हैरान हुए अबा मुखर जैया हूँ क्या ये मुझे निकाल देंगे ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुझे सादिक कहते हैं अलमीन कहते हैं मैं उनकी आंखों का तारा हूं यह मुझे निकाल देंगे हजरत वर्क़ा कहते हैं हाँ ये अल्लाह का एक पुराना कानून चला रहा है जो कोई भी हक की दावत देता है उसकी कौम उसकी दुश्मन हो जाती है लिहाजा ये वाक्य आपके साथ पेश आएगा काश के मैं उस वक्त तक जवान हूँ जबकि आपकी कौम आपको यहाँ से निकालेगी ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ वो नौबत आई नहीं वर्खा का इंतकाले